प्रेगनेंसी में बहुत बार होते हैं सोनोग्राफी, और ऐसे में हर महिला के मन में ये सवाल उठता है कि क्या प्रेगनेंसी में इतनी बार सोनोग्राफी कराने से हमारे बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम होगी या बच्चे को किसी तरीके का नुकसान होगा। तो आज इसी बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल से साइंटिफिकली बताने वाली हूँ कि क्या अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से किसी भी तरीके का हार्म होता है आपके बच्चे को। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बार बार इसलिए किए जाते हैं सो देट वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का पता कर सकें, बच्चे के सभी बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली मंथ के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे हैं या नहीं, या किसी भी तरीके का बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में। हर कुछ समय के बाद में आपकी सोनोग्राफी की जाती है जस्ट कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से पता चलता रहे, उसकी हेल्थ का पता चलता रहे, उसकी एज जो है जेस्टेशनल एज के हिसाब से क्या है वो सही है नहीं, उसका वेट कितना है, वो सारी चीज़ें जो है सोनोग्राफी के थ्रू पता चलती हैं। उसके अलावा जो है प्रेगनेंसी में तकरीबन 4 से 5 बार सामान्य रूप से तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ स्वस्थ और हेल्दी है तब भी आपका 4 से 5 बार तो अल्ट्रासाउंड किया ही जाता है। लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या किसी भी तरीके के आपको पहले प्रॉब्लम रही है, मिसगैरेज हुआ है या बीपी की समस्या है या कुछ भी इस तरीके का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है, ऐसे में ये सोनोग्राफी का जो नंबर ऑफ सोनोग्राफीज हैं वो आपकी ज्यादा भी हो सकती हैं। अब बात आती है 4 से 5 बार सामान्य रूप से और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ज्यादा बार, तो क्या इतने बार अल्ट्रासाउंड कराना सेफ होता है या नहीं। देखिए बहुत सारे साइंटिफिकली चीजें प्रूवन है कि अल्ट्रासाउंड कभी भी या सोनोग्राफी जो है वो कभी भी आपके बच्चे को हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए सोनोग्राफी जो होता है ना वो बेसिकली जो है वो साउंड वेव्स होते हैं, आपके पेट पे वो जेल डाला जाता है सो आपके स्टमक पे उस मशीन को घुमाया जाता है जिससे कि साउंड वेव्स के थ्रू बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है। प्लस ये जो जेल होता है ये जो बीच का एयर है उसको भी कम करता है, इससे 2 फायदे होते हैं, जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है, दूसरा जो ग्लाइड होता है अच्छे से जो मशीन है वो आराम से ग्लाइड होता है, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं आता। सो जो सोनोग्राफी है हर तरीके से उसको इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी तरह से ये माँ या बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, तो सोनोग्राफी जो है प्रेगनेंसी के समय में बिल्कुल सेफ होता है।